बधाई सुमित आज का सुपर शेयर। शुक्रिया दीपाली, एक अच्छे नतीजों के साथ ही जाना चाहेंगे। अभी भी नंबर्स अच्छे आए थे V2 रिटेल के और उसी को चुना गया है कंपनी के। अगर आप लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखें तो मुनाफा 2.5 गुना बढ़ा था और ये किसी अदर इनकम की वजह से नहीं बल्कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की वजह से कंपनी के नंबर्स अच्छे आए थे। इनपुट कॉस्ट करीब 55% के आसपास गिरी है। कंपनी ने Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में जिस तरह एक्सपैंड किया है उस एक्सपेंशन के बाद कंपनी के नंबर्स और साउंड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रादर जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद कंपनी ने अपने आउटलेट्स में POS मशीन्स लगाई थी जिसकी कंपनी को एडिशनल बेनिफिट मिला और वो कंपनी के लिए प्ले करके गया और एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किए। GST एक अच्छा ट्रिगर रहेगा आने वाले समय में कंपनी के लिए, लेकिन सबसे अहम चीज की जिस तरह से कंपनी ने थर्ड क्वार्टर के नंबर पोस्ट किए हैं, मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि फोर्थ क्वार्टर के नंबर और बेहतर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये नई प्रोडक्ट लाइन कंपनी ने ऐड की है और नई प्रोडक्ट लाइन का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी ने जिस तरह से कुछ और छोटे शहरों में एक्सपैंड किया है, कुछ रूरल एरियाज में कंपनी अपने आउटलेट खोले हैं, उसका बेनिफिट भी कंपनी को आने वाले समय में मिलेगा। स्टॉक वाइज देखा जाए तो कैश EPS करीब 6.5 रुपए के आसपास की और वैल्यू महज 10 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है जबकि पूरा स्पेस जो है वो 20 से 22 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। खरीदारी करो चलने की राय दी जा रही है, 190 रुपए का टारगेट यहां पे देखा जा रहा है। शुक्रिया सुमित आपका। तो V2 रिटेल इंटरडे हाईस पर अभी ट्रेड कर रहा है 4% के गेंस के साथ। आज का सुपर शेयर जहां पर 158 के लेवल्स देखे जा रहे हैं, इंटरडे के लिहाज से स्टॉक पर आप ध्यान दे सकते हैं और पोजीशन नजरिए से भी अच्छे गेंस ही आपको दिला सकता है। तो ब्रेथ मार्केट की स्ट्रांग है और 8800 के लेवल्स पर एग्जैक्टली अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन JP समूह के स्टॉक्स की हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे। शर्मा साहब, आपकी राय क्या है, जनवरी मंथ के दौरान ही इन तीनों ही स्टॉक्स का अगर प्राइस एक्शन हम देखें, JP इंफ्रा, JP एसोसिएट्स, JP पावर, तीनों ही 50% से ज्यादा चल चुके हैं, क्या राय है आपकी इस समूह पर? जी, ये जो स्टॉक्स आपने बोले हैं ये कवरेज में नहीं है तो इन पे फंडामेंटली मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपके जो दर्शक हैं उनको फर्दर गाइडेंस के प्रति यही कहना चाहूंगा, इस तरह का जब रिटर्न आपको मिलता है 50% जैसा तो वो बहुत ही अपेक्षाकृत बहुत ही कम स्टॉक्स में देखने को मिलता है। जब मिला है तो उसका फ़ायदा उठाइए और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कीजिए। ये नहीं कहता कि इनको स्टॉक से निकलिए, पर आप उनके अंदर अपना स्टॉप लॉस रख दें और उसको ट्रेलिंग बना लें जिससे कि जब कभी भी ये स्टॉक नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और इसको आप रोजाना ऊपर बढ़ा सकते हैं। और किसी टेक्निकल एनालिस्ट से आप पूछ लीजिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक्चुअली में मतलब क्या होगा और इन स्टॉक्स के आप जी को फ़ोन करके इनके स्टॉप लॉस भी पूछ सकते हैं। जी, तो तीनों ही स्टॉक्स हालांकि विद वॉल्यूम्स चल रहे हैं, 16% ऊपर JP इंफ्रा है। लेकिन एक बार फिर से रुख करते हैं बजट सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का। वित्त मंत्री अरुण जेटली से बजट के बाद जो खास बातचीत हुई उसमें उन्होंने GDP, GST के अलावा भी और बहुत अहम बातें की हैं टैक्स पेयर्स के लिहाज से और साथ ही साथ जॉब मार्केट के लिहाज से। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। आपके बजट स्पीच से ही मैं ये हिस्सा अगर उठाऊँ, आपने कहा कि जो टैक्स चोर है उसका खामियाजा है कि ईमानदार टैक्स पेयर चुकाता है, इसके चलते और जो टैक्स मैन के पावर जिस तरह से बढ़े हैं, एक ऐसी लॉबी है जो ये डर फैलाने की कोशिश कर रही है कि अब तो टैक्स मैन आपके पीछे पड़ जाएगा और आपके घर आके आपका गला पकड़ के टैक्स गलत है। बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि टैक्स मैन का और SSC का संबंध ही ना रहे। आप रिटर्न ई फाइलिंग करिए, आपको मालूम ही नहीं कि मेरा ITO कौन है, आप ई फाइल करिए, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम बैंगलोर में जाएगा, वहां से एलोकेट होगा। अगर उनको लगता है कि चार सवाल आपसे पूछने हैं तो ईमेल पे सवाल आएंगे, ईमेल पे जवाब दे दिया जाएगा। अगर बहुत आवश्यकता पड़ी और स्क्रूटनी में कोई केस चला गया तो किसी भी ऑफिसर को असाइन हो सकता है, आपने वहां हियरिंग कर ली, ऑर्डर आपको ईमेल पे मिलेगा। आज रिफंड सारे करोड़ों की संख्या में ईमेल पे आ रहे हैं, यहां ईमेल पे सूचना आती है और रिफंड घर पहुंच जाता है। हमने हर कदम उठाया है इस संपर्क को समाप्त करने का और स्क्रूटनी केसेस भी 100 में से 1 हैं, 1% से कम है, तो 99% SSC तो उसका अधिकारी कौन है उसकी शक्ल ही नहीं देखेगा, ताकि ये जो कॉन्टैक्ट कम करने से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से मुझे लगता है थोड़ी सरलता आती है। बिल्कुल सर, और एक अच्छा जो कदम इस बजट में दिखा फाइन प्रिंट में, आपने भारत नेट पे काफ़ी जोर दिया जो कि ज़रूरी है डिजिटाइजेशन के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, मनरेगा हो, इन सब में एलोकेशन बढ़ाया गया है, दिस कैन एक्चुअली क्रिएट सब जगह, क्योंकि ऑटोमेशन से कई बार जॉब्स कम होती हैं, लेकिन जब यहाँ कम हुई तो यहाँ बढ़ती हैं, टेलीकॉम में बढ़ गई,
आप लैंडलाइन से कम होने से कोई जॉब्स कम नहीं हुई, टेलीकॉम सेक्टर एक्सपैंड कर गया, आईटी सेक्टर एक्सपैंड कर गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर्स एक्सपैंड कर गए, अब ये पोर्टल्स एक्सपैंड कर गए, अब आपके ई वॉलेट्स एक्सपैंड कर गए, तो ये सारा जॉब क्रिएशन तो करता ही है। एब्सोल्युटली। लास्ट टू क्वेश्चंस होंगे सर आपसे। एक तो एक बहुत अच्छा कदम जो आपने उठाया है FIPB स्क्रैप करने का, ये उस माहौल में हो रहा है जब ग्लोबली सडनली वी आर सीइंग लॉट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था, 90% FDI बिना FIPB ऑटोमेटिक रूट से आ रही है, और जो 10% आती है FIPB के अलावा जो कंसर्न मंत्रालय है उसकी भी अनुमति चाहिए होती है, तो दो बार अलग अलग स्थानों पे क्यों जाओ, एक स्थान पे कर लेंगे। जो रेगुलेशन है उस 10% का FIPB क्यों करे, वो होम मिनिस्ट्री कर सकती है, INB मिनिस्ट्री कर सकती है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कर सकता है, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट कर सकता है, जो भी कंसर्न पेरेंट मिनिस्ट्री होगी उस इन्वेस्टमेंट की वो देखेंगे। सो ये इन अ सिनेरियो जहां पे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, इससे उल्टा हमें फायदा हो रहा है। ट्रेड कम होता है, प्रोटेक्शनिज्म से इन्वेस्टमेंट कम होता है। अब अगर जैसे अमेरिका में भी हो रहा है कि भाई हम जो एक देश से इम्पोर्ट आएगा टैक्स लगा देंगे, लगाओगे तो देना तो अमेरिका के लोगों को पड़ेगा। आप आउटसोर्सिंग बंद करोगे तो आपकी कंपनियों को महंगी लेबर रिटेन करके वो काम करना पड़ेगा जो आज आउटसोर्सिंग से हो जाता है, तो इट बैकफायर। सो इसलिए प्रोटेक्शनिज्म से कोई अर्थव्यवस्था बेहतर चलती है। आज मुझे लगता है कि दुनिया में आइसोलेटेड इकोनॉमीज चल नहीं सकती। राइट, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन अपने आप में एक बड़ा कदम था, उससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, अब बजट में भी इन वे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, खासकर जो टैक्स चोरी करते हैं उन पर, आपकी सेंस क्या कहती है, आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या है? हमारी अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए कांग्रेस देश भर में सुकड़ती जा रही है, बहुत कम संख्या हो गई, कोई आकर्षण ना लीडरशिप का है ना पार्टी का है, कहीं कहीं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां थोड़ा बहुत मुकाबला हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर स्थानों पर हमारी पार्टी और उसके साथी निश्चित रूप से जीतेंगे। What is your aspiring figure for growth? जैसे आपने खुद कहा कि देखिए मैं चाहता हूं कि आज तो मुझे लगता है कि वापस हम उस 7-7.5-8% की रेंज में वापस आए, जो संभव है शायद आ भी जाएंगे, और अगर विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ी और ताकतवर हो गई तो फिर उस 8% को क्रॉस करके आगे बढ़ना, वो हम लोगों का एक द वर्ल्ड हैज टू मूव फास्टर इन अ स्लोड डाउन वर्ल्ड वी ऑल्सो सफर। राइट, बस एक आखिरी मुद्दा जिस पर मैं आपसे बात राय चाहूंगा, डीमोनेटाइजेशन के बाद अब सभी को इंतजार है कि अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम में पैसा आया कितना, और इससे अब जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या चेंज हुई। इमटेरियल मानता हूँ मैं, इमटेरियल इसलिए मानता हूँ कि जब हमने इनकम टैक्स अमेंड कर दिया और कहा कि आप 50% देकर पैसा दीजिए, अगर रिकाउटेड है तो 50% दीजिए 31 मार्च से पहले, तो जिसके पास ब्लैक मनी था उसके पास दो ऑप्शन थी, या 100% को आग लगा दे या 50 बचा ले, तो कॉमन सेंस कहती है वो 50 बचाएगा। तो इसलिए बैंक में आने से उसने गंगा जी में स्नान करके पवित्रता नहीं प्राप्त की, उस पैसे का कलर नहीं बदला, वो ब्लैक मनी है, इट इज नाउ सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, जिसके लिए 18 लाख लोगों को ये जानकारी हम लोगों ने भेजी है इनकम टैक्स विभाग ने कि भाई आपने इतना जमा कराया 10 दिन में बता दीजिए ये सही है कि नहीं है। इसमें इशारा भी है कि आप सुधर जाओ। हाँ, कि भाई मालूम है। राइट, और ये अफोर्डेबल हाउसिंग में जो व्याख्या चेंज हुई है, अब बैंक्स आर ऑल्सो फ्लश्ड विद मनी, डू यू थिंक कि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स विल गो डाउन? PM ने 31 दिसंबर को कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में सस्ता ब्याज होगा, और छोटे 9-12 लाख वाले घर तक के लोन सबवेंशन होगा, और मैंने इस बार परिभाषा भी बदल दी कि अब 60 स्क्वायर मीटर यानी 650 फुट कारपेट एरिया होगा, यानी सुपर एरिया लगभग 900,000 फुट का होगा, जिसमें 2 बेडरूम का बहुत अच्छा घर बन जाता है एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी दे दिया, तो इस सारे से एक लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल, चलिए सर उम्मीद करते हैं कि ये जो जेन नेक्स्ट बजट आपने डिलीवर किया है, विच हैज़ बीटन एवरीबडीज एक्सपेक्टेशन एंड एलेड फियर्स ऑल्सो, इसी कड़ी को आप आगे बढ़ाते रहें और जल्द ही GST भी रोल आउट हो, ऑन ट्रैक हो जाएगा रोल आउट, मुझे उम्मीद है। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।
तो एक खास बातचीत आपने सुनी और इस बातचीत के कुछ और मुख्य अंश दिन भर आप देख सकेंगे जी बिजनेस पर। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ वित्त मंत्री के साथ, जीडीपी रेट को लेकर, जीएसटी रोल आउट को लेकर, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं उससे इंडस्ट्री भी काफी खुश है, कंज्यूमर भी काफी खुश है, वो भी काफी खुश दिख रहे थे। हाँ नहीं देखिये वो तो खुश है बिकॉज बहुत सालों के बाद एक ऐसा बजट आया है जिसे इतने अच्छे तरीके से थम्स अप मिला हो। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही कि इससे एक ग्राउंडस्वेल डिमांड क्रिएट हो सकती है जो कि यू नो विच इज़ लाइक लिफ्टिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द बॉटम। शर्मा जी इस पर इनफैक्ट मैं आपसे भी ये राय चाहूँगा कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग आपने सुना होगा उन्होंने क्या कहा। अब दो चीज़ें हैं, एक तो क्योंकि डेफिनेशन चेंज हुई है तो पहले के मुकाबले बड़े घर इसमें आ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस वाले अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में, और वो कंपनीज जो कि इस स्पेस में ऑपरेट करती हैं उसमें हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा है सिंस बजट। आपका व्यू इन कंपनीज पर क्या है? देखिए मैं इस सेक्टर के, मेरा सेक्टर चाहता सेक्टर नहीं है रियल एस्टेट का, लेकिन मैं इस पे इससे संबंधित अपनी राय जरूर देना चाहूँगा। वो ये कि सबसे पहले सरकार ने जो अच्छा काम किया इस बजट के अंदर वो ये कि ये हाउसिंग गेन्स को 3-2 कर दिया, और तो बेसिकली जो बेचना चाहता है उसको भैया आप जल्दी बेच के निकलो, और इस रियल एस्टेट के जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक ले रखे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, घर ले रखा है, उससे निकलो और उसको पैसा लेके जाओ अपने बॉन्ड में जहाँ पे आपको एक हिस्सा मिले, तय रिटर्न मिले, और उस बाद में जब ये पैसा फ्री हो जाएगा 3 साल के बाद तो आप इसको कहीं और ले जाइए, इक्विटी में आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट कंपनीज मेरे हिसाब से तो कभी रिटर्न नहीं दिया इन्होंने और नहीं दे पाएंगी, और जो जो जिन कंपनी को हम समझते हैं कि ये कंपनियां वो हैं जो एसेंशियली उसका फ़ायदा उठाएंगी, वो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो उसको बना रही है, उसको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो रियली में जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनको शायद उतना फ़ायदा नहीं हो। इस सेक्टर से मैं फिर भी दूर रहना चाहूँगा, लेकिन ये कदम अच्छा है कि जो टाइम था उनका बेचने का वो कम हो गया है, तो वो पैसा कहीं और यूज़ हो सकता है बेहतर तरीके से। जी लेकिन बजट के बाद से ही जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वो कंसिस्टेंटली मूव दिखा रहे हैं और आज भी अच्छी खरीदारी इस पूरी स्पेस में देखी जा रही है। एचडीएल भी 6% से ज्यादा बढ़कर ट्रेड कर रहा है। एक बार बीएसई लिमिटेड के स्टॉक को देख लेते हैं, फ्राइडे के स्टेलर लिस्टिंग जहां पर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, 1.5% नीचे ये स्टॉक अभी 1053 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हितेश आपका व्यू क्या है बीएसई लिमिटेड पर, अगर इस तरह के डिप्स मिले या फिर इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग दिखे तो क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए ये शेयर? जी माफ कीजिएगा कौन से शेयर की बात कर रहे हैं आप? बीएससी लिमिटेड। जी हाँ जी, जिसमें हमारा आईपीओ जब आया था तो काफ़ी फेवरेबल व्यू था, उसके बाद हमने देखा लिस्टिंग के बाद ये ऑलमोस्ट 35-40% लिस्टिंग के दिन ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन इसका लगभग 35-40 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स, 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे चल रहा है। सो आई थिंक इस राइज के बाद इसमें काफ़ी कुछ फैक्टर इन हो चुका है, सो आई थिंक अगर डिप्स आते हैं तो ही इसमें हम बाइंग की सलाह देंगे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं देंगे इसमें। एक्चुअली फ्रेश बाइंग इस समय हो या नहीं हो, लेकिन फॉलो अप बाइंग हमने लिस्टिंग के बाद देखी थी और आज भी देखते हैं अगर कुछ बाइंग इमर्ज होती है तो। शर्मा जी इनफैक्ट यू नो एक तो CPSE ETF पर हमने देखा रिस्पांस अच्छा मिला है, और इस साल के लिए भी जो इंडिकेशन है सरकार का कि ETF के रास्ते और भी डाइवेस्टमेंट किया जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इन पर? मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी जो आम सहमति उसे थोड़ी अलग है। मैं ये मानता हूँ कि जो जो PSE के जो जो ETF हैं उनकी बनिस्पत अगर आप इनमें से कंपनी चुने, पावर ट्रेडिंग चुने या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स चुने, तो आपको बेहतर रिटर्न मिल पाएगा, क्योंकि इन सब के साथ साथ आपको अगर आप ETF में खरीदते हैं तो आपको ज़बरदस्ती आपको बेच दिया जाएगा ONGC जो आपके पोर्टफोलियो में शायद उतना रिटर्न रिलेटिवली नहीं देगा जितने बाकी स्टॉक दे सकते हैं। तो उस दृष्टि से एक चयन करके जो छोटे स्टॉक PSU के ही स्टॉक चुनना तो वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन सरकार को ये जो हेल्प मिल रही है वो एक अच्छा रास्ता मिल गया है, आगे से फिजिकल डेफिसिट को कम करने में सहायता होगी, लेकिन अंत में रिकमेंडेशन यही रहेगा सरकार को कि भैया जागिए, ये जो आपने जो बीड़ा उठाया है, NDA ने पहले बीड़ा उठाया था स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, उसको आपने बिल्कुल दोहराया है दोबारा अभी, इसको ज़रा उसके
नियर कंक्लूजन पे पहुंचाइए। पहले के जो चीज़ें हैं जहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट का स्टेक है 26% आज होल्ड करता है गवर्नमेंट उन स्टॉक्स के अंदर, हिंदुस्तान जिंक हुआ, बालको हुआ, या कम जो पोर्शन होल्ड करता है, या टाटा कम्युनिकेशन हुआ, इनसे आप निकलिए। और जहाँ जो आप पहले 2002 या 98 के बीच में आप ऑलरेडी डिसइन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वहाँ पे आपको नहीं रखना चाहिए, तो इससे और प्रक्रिया आपकी मिलेगी और बेहतर वैल्यूएशन पीएसयूज की हो पाएगी जहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट होता है। हितेश, आपके स्टॉक पिकिंग आइडियाज क्या हैं लार्ज कैप और मिड कैप से? जी, हमारे टॉपिक्स में जैसे बजट के बाद भी हमने देखा है कि काफ़ी हाउसिंग के ऊपर फोकस रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा कि हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या NBFCs के थ्रू खेलना चाहेंगे, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है। डिस्क्रिशनरी में हम वंडरला या एग्रीकल्चर में जो माइक्रो इरीगेशन में, उसमें जैन इरीगेशन है जो बजट के पहले भी जब हम मिले थे तो मैंने बताया था। तो इस टाइप के स्टॉक्स है जो हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम रेकमेंड कर रहे हैं, और हमारे टॉपिक्स में ये अभी भी बने हुए हैं। जी शुक्रिया हितेश आपका, शर्मा साहब आपका भी शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए।